हेलो फ्रेंड, मैं प्रशांत सावंत आपका स्वागत करता हूं। और आज हम सीखेंगे बेसिक सीएनसी प्रोग्रामिंग और साथ में ही देखेंगे डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग मोड और इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग मोड। ये बेसिक सीएनसी प्रोग्रामिंग जो होता है उसके ऊपर हर एक यूनिवर्सिटी में नियर अबाउट 12 से 14 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप ये वीडियो, ये लेक्चर कंटिन्यू देखिए ताकि आप इसके बारे में अच्छे से जान सकें। अब तक आपने सीएनसी प्रोग्रामिंग इन हिंदी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारे अगले वीडियो के बारे में उसकी जानकारी पा सकें। तो पहले हम उस वर्कपीस को समझते हैं जिसके लिए हमें उसका सीएनसी का प्रोग्राम बनाने का है। तो एज अ क्वेश्चन हमें उस वर्कपीस का फाइनल डायग्राम दिया जाता है और कहा जाता है राइट ए सीएनसी पार्ट प्रोग्रामिंग फॉर अ गिवन ज्योमेट्री। तो ये जो हमारा वर्क पीस है उसके बारे में हम अभी बात करते हैं। तो हमें 15 mm का डायमीटर मेंटेन करने का है और 5 mm तक, 15 mm डायमीटर से 20 mm डायमीटर तक उसका टेपर बनाना है और आगे 15 mm तक उसे तो उसका 20 mm डायमीटर मेंटेन करना है। आप ये जो एक्सटेंडेड सरफेस देख रहे हैं, ये जो ये क्लैंप किया है जो हमें ये फाइनल डायग्राम में नहीं दिया जाता है, मैंने यहाँ पे क्लैंप करने के लिए आपको यहाँ पे एक्सटेंडर सरफेस को यहाँ पे ऐड किया है। आप सीएनसी प्रोग्रामिंग में आप ये पहले समझिए कि आपको वहाँ पे क्या करना है, टर्निंग करना है या मिलिंग करना है या ड्रिलिंग करना है। तो टर्निंग में क्या होता है, वर्क पीस रोटेट होता है और हमारा टूल जो होता है वो स्टेशनरी होता है। लेकिन मिलिंग और ड्रिलिंग में क्या होता है, हमारा वर्क पीस स्टेशनरी होता है और हमारा टूल जो है वो रोटेट होता है। तो ये डिफरेंस है मिलिंग और टर्निंग में का। तो अब हम देखते हैं आगे डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग मोड और इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग मोड। तो हमने यहाँ पे एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग मोड के लिए अलग से प्रोग्राम बनाया है और इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग के लिए अलग से उसका प्रोग्राम बनाया है। आप दोनों में से कोई भी एक मेथड फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम अपना एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग मोड सीखते हैं। एब्सोल्यूट मोड में प्रोग्राम बनाने के लिए हमें प्रोग्राम में Z90 कोड यूज़ करना पड़ता है, जैसे कि हमने इस प्रोग्राम में Z90 कोड यूज़ किया है। और इंक्रीमेंटल मोड में हमें Z90 के बदले Z91 कोड यूज़ करना पड़ता है। तो ये एक डिफरेंस है एब्सोल्यूट मोड में और इंक्रीमेंटल मोड में। जो हमें फाइनल वर्क पीस दिया जाता है उस वर्क पीस के लिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करके एब्सोल्यूट मोड के हिसाब से उसके कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने पड़ते हैं। तो वो कोऑर्डिनेट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले उस वर्क पीस के लिए उसका रॉ मटेरियल होगा 20 mm डायमीटर का एक सर्कुलर बार। जब हम उसके कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करते हैं तो उससे पहले उसका वर्क पार्ट जीरो सेट करना पड़ता है और हमने इस पॉइंट पे उसका वर्क पार्ट जीरो सेट किया है, यानी कि इस पॉइंट पे उस वर्क पीस का एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस दोनों जीरो जीरो है। हमने जो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 कोऑर्डिनेट कैलकुलेट किए हैं उसके डायमेंशंस हम वर्क पार्ट जीरो से ही कंसिडर करने वाले हैं। तो हमारा जो 1 नंबर का कोऑर्डिनेट है उसका डायमेंशंस अलॉन्ग टू एक्स एक्सिस, उसका जो डायमीटर होता है वो हमने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है +15। तो यहाँ पे हमारा 1 नंबर का कोऑर्डिनेट अलॉन्ग टू एक्स एक्सिस हो गया है 15 mm और वो जेड एक्सिस में हो गया जो कि जीरो पे, तो हमने यहाँ पे जीरो लिख दिया है। देन हमारा जो 2 नंबर का कोऑर्डिनेट है वो अलॉन्ग टू एक्स एक्सिस, उसका डायमीटर 15, तो हमने यहाँ पे 15 लिख दिया है। लेकिन वो जेड एक्सिस में -15 पे, तो हमने यहाँ पे -15 लिख दिया है। देन जो हमारा 3 नंबर का कोऑर्डिनेट है वो अलॉन्ग टू एक्स एक्सिस, उसका डायमीटर +20, तो हमने यहाँ पे +20 लिख दिया है। और वो जेड एक्सिस में 15 + 5, तो -20, तो हमने यहाँ पे -20 लिख दिया है। देन हमारा आखिरी 4 नंबर का कोऑर्डिनेट जो है वो एक्स एक्सिस में +20 पे, तो हमने यहाँ पे +20 लिख दिया है। और वो जेड एक्सिस में 15 + 5 20, 20 + 15 35, तो वो -35 पे हो गया। तो ये हो गया हमारे वर्क पीस के कोऑर्डिनेट। तो हमारा वर्क वर्क का जो टूल पाथ है, तो हमारा टूल वर्क पार्ट जीरो से 1 तक जाएगा, देन 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4 तक मशीनिंग करते हुए जाएगा। तो हम यहाँ पे एक फेसिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले, तो वो मैंने प्रोग्राम में ऐड कर दिया है, वो मैं आपको बता देता हूँ।
तो ये रहा हमारा एब्सोल्यूट मोड में बना हुआ प्रोग्राम। और आप जो ये डायग्राम देख रहे हैं वो आपको एग्जाम में डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये डायग्राम आपको ये प्रोग्राम समझने के लिए हमने यहाँ पे बनाया है। तो हमारा पहला जो डायग्राम है उसमें हमने एक वो उस वर्क पीस के लिए रॉ मटेरियल दिखाया है जो कि 20 mm का सर्कुलर बार है। और यहाँ पे सेकंड और थर्ड डायग्राम जो कि दोनों भी एक ही है लेकिन वो प्रोग्राम के हिसाब से वो स्टेप बाय स्टेप आपने यहाँ पे बनाया है। देन आखिर में उसका फाइनल वर्क पीस जैसे दिखेगा उसका हमने वो डायग्राम यहाँ पे बनाया है। तो सेकंड नंबर के डायग्राम में आपको यहाँ पे टूल दिखाई दे रहा है जो कि मशीन पार्ट जीरो यानी कि उसके रेफरेंस पोजीशन पे। तो हम उस मशीन पार्ट जीरो से हमने जो पहला पॉइंट डिफाइन किया है वहाँ तक हम उसे रैपिडली ट्रैवल करने को कह रहे हैं। देन हमने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कट ले लिया है क्योंकि हम ये मानते हैं कि अगर फेसिंग का सरफेस रफ है तो उसे टूल डैश नहीं मारे, वो मटेरियल रिमूव करते हुए जाए, इसलिए हमने यहाँ पे मटेरियल रिमूव करते हुए गए हैं। देन हम उसको मशीन पार्ट जीरो पे लेके आए और वहाँ पे फिनिशिंग फेसिंग कट मार दिया है और यहाँ पे फिनिशिंग फेसिंग कट हमने ले लिया है। देन हमारा जो पहला कोऑर्डिनेट हमने कैलकुलेट किया है उस कोऑर्डिनेट पे आके हमने सेकंड नंबर के कोऑर्डिनेट तक टूल का ट्रैवल किया है यानी कि हमने वो टूल पाथ डिफाइन किया है। आपको जो एक ग्रीन कलर में पोर्शन दिखाई दे रहा है वो एक्चुअल में वहाँ तक का मटेरियल रिमूव हो चुका है। देन इसी सेकंड नंबर डायग्राम को हमने थर्ड नंबर के डायग्राम में एक ही है, बस हमने वो स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे बताया है। तो थर्ड नंबर के डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि हमने यहाँ पे एक टेपर दे दिया है और जो उसका 20 mm का डायमीटर है वो यहाँ तक मेंटेन किया है। और जब जैसे हमारे मशीनिंग ऑपरेशन ख़त्म होता है तो हमने टूल यहाँ से उसके रेफरेंस पोजीशन पे यानी वर्क मशीन पार्ट जीरो पे हम उसे लेके गए हैं। तो बस यही मीनिंग है चार चार डायग्राम का। ये आपको मैं अगेन प्रोग्राम वाइज आपको एक बार रिवाइज कर दूंगा। तो हमारे प्रोग्राम का नंबर है 01007 और आप जो ये नंबर का सीक्वेंस देख रहे हैं वो हर एक ब्लॉक का नंबर है। तो हमारा पहला ब्लॉक है N010 जिसमें हमने कोड यूज़ किए हैं G00, G71, G54, G90, G94 और EOB। EOB का मतलब होता है एंड ऑफ ब्लॉक। तो G00 का मतलब होता है रैपिड ट्रांसवर्स यानी कि हम मशीन पार्ट जीरो से वर्क पार्ट जीरो तक हम रैपिडली ट्रैवल करने वाले हैं, इसलिए हमने यहाँ पे G00 कोड यूज़ किया है। देन G71 का मतलब होता है यूनिट्स इन mm, जो हमने यहाँ पे डायमेंशंस कंसिडर किए हैं वो mm में है, इसलिए हमने यहाँ पे G71 कोड यूज़ किया है। अगर हम ये डायमेंशन इंचेस में कंसिडर करते तो यहाँ पे G70 कोड हमें यूज़ करना पड़ता। देन G54 तो वर्क पार्ट जीरो यानी कि मशीन वो जीरो ऑफसेट के लिए होता है। तो हमने मशीन पार्ट जीरो से वर्क पार्ट जीरो तक का जितना भी डिस्टेंस है अलॉन्ग टू एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस वो हमने मशीन के G54 कोऑर्डिनेट में हर एक टूल के लिए वहाँ पे सेट किया होता है। देन G90 कोड तो हमारा एब्सोल्यूट मोड के लिए है यानी कि हमने जो कोऑर्डिनेट कैलकुलेट किए वो एब्सोल्यूट मोड के हिसाब से किए, इसलिए हमने यहाँ पे G90 कोड यूज़ किया है। देन G94 का मतलब होता है फीट पर मिनट। अगर हमें फीट पर रिवॉल्यूशन यूज़ करना है तो हमें यहाँ पे G95 कोड हमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ता है। देन यहाँ हमारा नेक्स्ट ब्लॉक जो है वो N020 जिसमें हमने कोड यूज़ किए हैं M06 T0101। तो और यहाँ पे एंड ऑफ ब्लॉक, तो इसका मतलब होता है हमने वहाँ पे टूल चेंज किया है और वहाँ पे एक नंबर का टूल हमने वो सेलेक्ट किया है। देन हमारा नेक्स्ट ब्लॉक है M03 S1000, तो हमने यहाँ पे स्पिंडल ऑन किया है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और उसे स्पिंडल स्पीड दे दिया है 1000 RPM का। हम यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज भी स्पिंडल स्टार्ट कर सकते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे M04 कोड यूज़ करना पड़ता है। देन अब तक हमारा मशीनिंग स्टार्ट नहीं हुआ है तो मशीनिंग स्टार्ट करने से पहले हमें यहाँ पे कूलेंट ऑन करते, तो इसके लिए हमने यहाँ पे M08 कोड यूज़ किया है। देन हमारा नेक्स्ट ब्लॉक है G00X22 Z0.5 और एंड ऑफ ब्लॉक। तो G00 यानी रैपिड ट्रैवल होता है हमारा। तो हमारा जो रॉ मटेरियल है उसका डायमीटर 20 है, तो हमने यहाँ पे 22 कंसिडर किया है क्योंकि हम वहाँ पे रैपिडली ट्रैवल करने वाले हैं। अगर हम ये डायमीटर एग्जैक्ट यहाँ पे कंसिडर करते हो तो हमारा रैपिडली टूल उसे डैश मारेगा और हमारा टूल टिप डैमेज हो जाएगा, इसलिए हमने वो डायमेंशन बड़ा कर लिया है यहाँ पे। तो इस ब्लॉक में हमारा टूल जो है वो रैपिडली इस पॉइंट पे आया, यानी कि हम ये यहाँ पे अजूम करते हैं कि 22 एक्स एक्सिस में है और 0.5 जेड एक्सिस में है जो कि प्लस में है। देन यहाँ पे वो ब्लॉक ख़त्म किया है। अब यहाँ से हम लीनियरली यानी कि मशीनिंग करते हुए
एक्स 0 पे आएंगे और जेड 0.5 पे यहाँ पे टूल लेके आएंगे, तो हमें मशीनिंग करते हुए आ रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे G01 कोड यूज़ किया है, देन एक्स 0.0 कोऑर्डिनेट यहाँ पे ले लिया है, और हमारा जेड 0.5 तो पहले से ही इस पॉइंट पे आ चुका है, तो इस ब्लॉक में उसे फीड दे दिया है 200 mm पर मिनट का, और यहाँ पे एंड ऑफ ब्लॉक किया है। देन इस पॉइंट से हम जेड 0 पे लेके जा रहे हैं, यानी कि हमारा वो जो वर्क पार्ट 0 का कोऑर्डिनेट है 0 0, उस पॉइंट पे हम उस टूल को लेके जा रहे हैं। तो नेक्स्ट ब्लॉक में हमने जेड 0.0 और एंड ऑफ ब्लॉक किया, यानी कि हम बस ये डिस्टेंस यहाँ पे ट्रैवल करने वाले। देन हमें अब फेसिंग ऑपरेशन करना है जो कि फिनिश कट होगा, तो हमें ये टूल जो है वो 0.0 यानी कि हमारा जो वर्क पार्ट 0 है वह उससे हमें 20 mm डायमीटर तक एक स्मूथ कट मारना पड़ेगा, इसलिए हमने यहाँ पे देन ओ X20 यहाँ पे लिख दिया है, जो कि N080 ब्लॉक में हमने X20 और एंड ऑफ ब्लॉक किया है। तो इसका मतलब होता है कि हमने वर्क पार्ट 0 से टूल स्मूथली एक 20 mm डायमीटर तक लेके आए हैं, लेकिन हमारा एक नंबर का कोऑर्डिनेट जो है वो एक्स एक्सिस में +15 है और जेड एक्सिस में 0 है, तो हमें वो अब नेक्स्ट ब्लॉक में कंसिडर करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे X15 यानी X15 में लेके आए और हमारा जेड पहले से ही 0 है, तो अब हमारा टूल 20 से 15 तक आया है, यानी कि हमें 15 से अब सेकंड कोऑर्डिनेट तक जाने का है, जिसका डायमेंशन एक्स एक्सिस में +15 है और जेड एक्सिस में -15 है। तो हमने एक्स एक्सिस में तो +15 में, इसलिए अब हमें सिर्फ जेड में ट्रैवल करना है, तो हमने नेक्स्ट ब्लॉक में जेड -15 लिख दिया है, यानी कि हम अब इस पॉइंट पे मशीनिंग करते हुए आए हैं, यानी कि हमारा इतना मटेरियल अब रिमूव हो चुका है। अब हमें टेपर टर्न करना है, टेपर टर्न करने के लिए हमें जो 3 नंबर के कोऑर्डिनेट है वो दोनों एक साथ लेने पड़ेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे X20 और जेड -20 एक ही ब्लॉक में लिए, तब हमारा टूल जो है वो इस पॉइंट से जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ये मशीनिंग करते हुए यहाँ पे टेपर टर्न करेगा। देन हम यहाँ पे तो X20 में आ चुके हैं, अब हमें जेड -35 तक मशीनिंग करते हुए जाने का है, ताकि हम हमारा 20 mm डायमीटर मेंटेन कर सके, तो हमने नेक्स्ट ब्लॉक में जेड -35 डाल दिया है और वहाँ पे एंड ऑफ ब्लॉक लिख दिया है, तो हमारा टूल जो है वो इस ये पाथ फॉलो करेगा, यानी कि हमारा जो 20 mm का डायमीटर है वो मेंटेन करेगा। देन हम इस 20 mm डायमीटर से जब हमें 35 टोटल लेंथ मिल जाएगा, तब हमारा मशीनिंग खत्म हो चुका होगा और अब हमें मशीनिंग करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें ये फाइनल शेप यहाँ पे उसका ऑप्टेन हो गया है। तो हम इस पॉइंट से टूल हम मशीन पार्ट 0 यानी रेफरेंस पॉइंट पे लेके जा रहे हैं, तो पहले हम टूल उसको थोड़ा बाहर निकालते हैं, तो बाहर निकालने के लिए हमने यहाँ पे X25 और Z+20 लिया है, यानी कि हम इस कोऑर्डिनेट से यहाँ तक रैपिडली आने वाले, इसलिए हमने यहाँ पे G00 कोड यूज़ किया है और यहाँ पे एंड ऑफ ब्लॉक कर दिया है। तो इस पॉइंट से हमें अब मशीन रेफरेंस पॉइंट पे जाने का है, इसलिए हमने वो उसके लिए एक सेपरेट ब्लॉक यूज़ किया है, जिसमें हमने कोड यूज़ किया है G28X0Z0। तो हमारा टूल जो है वो इस पॉइंट से मशीन पार्ट 0 पे यानी कि उसके रेफरेंस पोजीशन पे होम पोजीशन पे चला जाएगा। अब हमारा पूरा मशीनिंग ऑपरेशन खत्म हुआ है, तो हमें अभी जो हमने कूलेंट ऑन किया था उस कूलेंट को ऑफ करना है, इसलिए हमने यहाँ पे M0 कोड यूज़ किया है और ब्लॉक खत्म कर दिया है। देन ये प्रोग्राम खत्म हुआ, इसलिए हमें यहाँ पे नेक्स्ट ब्लॉक में M30 और M02 इन दोनों में से कोई भी एक कोड यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा और उस ब्लॉक को यहाँ पे ख़त्म करना पड़ेगा, तो हमने नेक्स्ट ब्लॉक में वही कोड यहाँ पे डाल दिए है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग, और अब हम इंक्रीमेंटल मोड में चले जाते हैं, तो चलिए देखते हैं इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग। तो ये रहा हमारा इंक्रीमेंटल मोड में बना हुआ प्रोग्राम, डायग्राम भी बस वही है, यही प्रोग्राम के लिए हमने एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग के लिए भी ऐसे ही सेम डायग्राम बनाए थे, वही पाथ फॉलो किया था। तो हम इंक्रीमेंटल मोड में G91 कोड यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने इस प्रोग्राम में किया है, और जो कोऑर्डिनेट हम इंक्रीमेंटल मोड में कैलकुलेट करते हैं वो बहुत अलग है एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग मोड से। जैसे कि हम एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग मोड में जो हमने 1 2 3 4 कोऑर्डिनेट कैलकुलेट किए थे वो वर्क पार्ट 0 से कैलकुलेट किए थे, लेकिन हम इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग मोड में हर एक कोऑर्डिनेट प्रीवियस कोऑर्डिनेट पे डिपेंड रहता है, वो प्रीवियस कोऑर्डिनेट से मेजर करते हैं। जैसे कि अगर मुझे 4 नंबर का कोऑर्डिनेट यहाँ पे मेजर करना है, तो मुझे 3 नंबर के कोऑर्डिनेट से
चार नंबर के कोऑर्डिनेट का डायमेंशन वहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर हमें 3 नंबर का कोऑर्डिनेट मेजर करना है तो 3 नंबर के कोऑर्डिनेट के लिए हमें 2 नंबर के कोऑर्डिनेट से उसके डायमेंशन मेजर करने पड़ेंगे, और हर एक पॉइंट के लिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लागू होगा हमारा। अगर जैसे कि हम एब्सोल्यूट मोड में एक्स एक्सिस में उसका डायमीटर कंसिडर करते हैं, यहाँ पे इंक्रीमेंटल मोड में हमें उसका रेडियस कंसीडर करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे उसके कोऑर्डिनेट कुछ कैलकुलेट किए हैं, वो मैं आपको प्रोग्राम में ही बताऊँगा, वो आपको वहाँ पे जल्दी समझ में आएगा। तो जैसे कि हमारे प्रोग्राम का नंबर है 01007, और आप जो ये नंबर का सीक्वेंस देख रहे हैं वो हर एक ब्लॉक का नंबर है। हमारा पहला ब्लॉक भी वही है, बस हमने यहाँ पे Z91 कोड यूज़ किया। तो हमारे पहले ब्लॉक में हमने यूज़ किए गए हुए कोड है Z00, Z71, Z54, Z91, Z94 और एंड ऑफ ब्लॉक। देन हमने नेक्स्ट ब्लॉक में M06 यानी ऑटोमेटिक टूल चेंज किया है, और वहाँ पे हमने 1 नंबर का टूल सेलेक्ट किया है जिसके लिए हमने T0101 कोड यूज़ किया है। देन हमने नेक्स्ट नेक्स्ट ब्लॉक में यहाँ पे स्पिंडल ऑन किया है क्लॉक वाइज डायरेक्शन, और उसे स्पीड दे दिया है 1000 RPM का, और वहाँ पर ब्लॉक खत्म किया है। देन हमने कूलेंट स्टार्ट किया है। देन नेक्स्ट ब्लॉक जो है Z00X11 Z0.5 एंड ऑफ ब्लॉक, ये हमारा पहला पॉइंट है जो कि हमने वर्क पार्ट जीरो से कंसीडर किया है। अब आगे हर एक कोऑर्डिनेट जो होगा वो हम प्रीवियस कोऑर्डिनेट के ऊपर हमारा वो डिपेंड रहेगा। तो हम ये पॉइंट रैपिडली ट्रैवल करने वाले हैं, रैपिड ट्रांसवर्स के लिए हमने यहाँ पे Z00 कोड यूज़ किया है। तो टूल जो रेफरेंस पोजीशन पे मशीन पार्ट जीरो पे, वो हम वर्क पार्ट जीरो से जो पहला हमने कोऑर्डिनेट कैलकुलेट किया है X11 और Z0.5, जैसे कि हमने पहले ही बताया है कि अब इंक्रीमेंटल मोड में हम उसका रेडियस कंसीडर करते हैं। तो हमारे रॉ मटेरियल का रेडियस 10 mm है, तो हमने यहाँ पे वो कुछ डायमेंशंस बड़ा कर लिए ताकि वो टूल डैश नहीं मारे हमारा। तो यहाँ पे हमने X11 और Z0.5 पॉइंट लिया है, यानी कि वो पॉइंट, ये पॉइंट जहाँ पे मैंने अभी मार्क किया है वो पॉइंट हो गया हमारा पहला कोऑर्डिनेट। अब हम ये पाथ फॉलो कर रहे हैं ताकि हमें ए रफ मटेरियल रिमूव करना होगा अगर वहाँ पे रफ मटेरियल अवेलेबल होगा। तो इसके लिए हमने यहाँ पे स्मूथ यानी कि हम Z01 में लिनियरली यह पे पार्ट मशीनिंग करते हुए आएंगे। तो ये हो गया हमारा पाथ, तो हमें इस पॉइंट पर आना है। तो हम उसका डायमेंशन इस पॉइंट से एज पर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से यूज़ करेंगे। तो अब हमारे पाथ जो हो गया वो माइनस में चला जाएगा जो कि हम एक्स में ट्रैवल कर रहे हैं। तो हमें अब हम X11 पे हैं तो हमें ये डायमेंशन माइनस में लेना पड़ेगा। तो एक्स हमने यहाँ पे -11 लिया है जो कि हम लिनियरली जाने वाले, इसलिए हमने यहाँ पे Z01 कोड यूज़ किया है, और उसे फिर दे दिया है 200 mm/min का। देन अब हमें इस पॉइंट से वर्क पार्ट जीरो तक आगे जाने का है। तो इस पॉइंट के वर्क पार्ट जीरो में का डिस्टेंस है जेड में 0.5। तो हमें एज पर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ये पाथ जो है हमारा वो निगेटिव में चला जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे -0.5 ब्लॉक डाल दिया है और वहाँ पर वो ब्लॉक ख़त्म किया है। देन हमें स्मूथ फेसिंग कट करना है, फेसिंग ऑपरेशन करना है। तो हमें इसका जो डायमीटर, उसका जो डायमीटर 20 है तो उसका रेडियस कंसिडर करना पड़ेगा, लेकिन हम रेडियस से कुछ डायमेंशन प्लस में ले रहे हैं फेसिंग ऑपरेशन करने के लिए। तो हमने यहाँ पे X11 ब्लॉक डाल दिया है, यानी कि हम अब प्लस या एज पर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से ही लिया है। अब ये पाथ हमारा तो प्लस में जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे X11 डाल दिया है। देन हमें 1 नंबर के कोऑर्डिनेट तक आना है। तो अब हम यहाँ पर हमारा जो लोकेशन है टूल का, टूल के टिप का, तो X11 है, और हमारा 1 नंबर का कोऑर्डिनेट जो है वो उसका रेडियस है 7.5, यानी कि टोटल डायमीटर उसका 15 mm का है। तो हमें रेडियस उसका कितना हुआ, तो 7.5 हो गया। तो हम 11 में से 7.5 माइनस कर देंगे, यानी कि रिमेनिंग 3.5 जो है वो एज पर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से हमें निगेटिव जाना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे X-3.5 लिख दिया है। तो अब हमारा टूल जो है वो 1 नंबर की कोऑर्डिनेट पे आ गया है। अब हमें 2 नंबर के कोऑर्डिनेट की ओर जाना है। तो हम 2 नंबर के कोऑर्डिनेट के लिए 1 नंबर के कोऑर्डिनेट से उसका डायमेंशन मेजर करेंगे। तो हमारा 1 नंबर के कोऑर्डिनेट यानी कि वो जो उसका रेडियस है 7.5, तो अब वहाँ पे है, लेकिन हमें अभी अब हमें जेड में ट्रैवल करना है। तो हम जेड में ट्रैवल करेंगे, तो जेड में इसका डिस्टेंस है -15 यहाँ, इसलिए हमने यहाँ पे जेड -15 यूज़ किया है, वो ब्लॉक ख़त्म किया है। अब हमें 2 नंबर के कोऑर्डिनेट से 3 नंबर के कोऑर्डिनेट तक जाना है, यानी कि ये टेपर टर्न करना है। तो 2 नंबर के कोऑर्डिनेट से 3 नंबर के कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस, तो जेड में ये -5 है, लेकिन अब हम 7.5 से और उसका टोटल डायमीटर
20 है, यानी कि उसका रेडियस 10 mm हो गया, तो 7.5 + 2.5 और 10 हो गया। तो हमने यहाँ पे एक्स प्लस में जाना है एज पर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। सो हमने यहाँ पे x+2.5 लिख दिया है, और सॉरी x+2.5 लिख दिया है, और z-5, जैसे कि हमने इस ब्लॉक में ओ कोड यूज़ किया और ओ ब्लॉक खत्म हुआ, यानी कि इस ब्लॉक में हमारा ये टेपर टर्न हो चुका है। देन अब हमें ये जो हमने 20 mm डायमीटर लिया है, यानी कि हमने उसका सिर्फ वहाँ पे रेडियस लिया है, तो हमें 20 mm डायमीटर मेंटेन रखने का है। तो अब हम 3 नंबर के कोऑर्डिनेट से 4 नंबर तक के कोऑर्डिनेट तक जाएंगे, और उसके बीच में का डिस्टेंस है a15, तो हमें z-15 कोड यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, इसलिए हमने यहाँ पे z-15 कोड यूज़ किया है, और यानी ब्लॉक का सिंबल हमने यहाँ पे यूज़ किया है। देन अब हमें वो हमारा हमें जो ज्योमेट्री चाहिए था, वर्क पीस का फाइनल शेप चाहिए था, वो मिल गया है। तो अब हमें इस पॉइंट से टूल जो है वो रेफरेंस पोजीशन पे लेके जाने का है, तो इसके लिए हम टूल को जो है वो वर्क पीस से थोड़ा बाहर निकालेंगे। तो बाहर निकालेंगे हम रैपिडली, इसके लिए हमने यहाँ पे G00 कोड यूज़ किया है, और टूल यहाँ से बस कुछ अमाउंट में प्लस में ले रहे, तो यहाँ पे 2.5 ले लिया है अमाउंट, और हम इस जेड प्लस में ले रहे, तो इसका टोटल लेंथ जो है वो 35 है, और हम कुछ बड़ा कर ले रहे डायमेंशन, तो हम यहाँ पे 20 बढ़ा देते हैं, यानी कि हम टोटल जो एज पर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से हम +55 लेके जाते हैं। तो हमने यहाँ पे वो कोड यूज़ किए, तो हम रैपिडली टूल जो है वो बाहर निकाला है, यहाँ पे x 2.5 और z 55.0, और यहाँ पे ब्लॉक ख़त्म किया है। अब हम उसे रेफरेंस पोजीशन के लिए ब्लॉक यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हमने कोड यूज़ किए हैं G20X0Z0, और ब्लॉक ख़त्म किया है। देन यहाँ पे कूलेंट बंद करना है, इसलिए हमने यहाँ पे M09 कोड यूज़ किया है, और आखिर में हमारे प्रोग्राम ख़त्म हुआ, इसलिए हमने यहाँ पे M02 की और M30 कोड हमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। इस तरीके से हमारा इंक्रीमेंटल मोड का प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है। अगर आपको इस प्रोग्राम में कुछ समझ में नहीं आया है, तो प्लीज़ आप कमेंट में आपका प्रॉब्लम लिख दीजिए, मैं उसका आंसर आपको रिकमेंड कर दूंगा। अगर आपको प्रोग्राम समझ में आया है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर करिए, और CNC प्रोग्रामिंग इन हिंदी चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब। बाय बाय, गुड डे, टेक केयर।